प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक्स एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से सम दूरस्थ है। सम दूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, सम दूरस्थ मतलब दूरी उसकी बराबर है। क्या करना है हमें, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो इसके लिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको प्लॉट करें और फिर उसके बाद देखें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसको अगर एक रफ सा बनाना चाहे तो यहां पे एक तो हमारे पास कौन सा पॉइंट है, 2 और -5 और एक पॉइंट है -2 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 -1, -2, -3, -4, -5 -1, -2, -3, -4, -5 तो यहां पे हम x x डैश y y डैश और ये ओरिजिन। अब एक तो पॉइंट है हमारा 2 और -5 ये यहां ये हमारा पॉइंट हो गया 2 और -5 और एक पॉइंट है -2 और 9 वाई नो है हमारे पास, तो ऊपर तक ले जाते हैं इसको थोड़ा सा और, ये हमारे पास 6, 7, 8 और 9 तो ये हमारे पास -2 और 9 यहां कहीं है -2 और 9 तो यहां पे हम ले लेते हैं -2 और 9। तो एक्स एक्सिस पर हमें कोई पॉइंट चाहिए जो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है, इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो हमने पॉइंट्स 2 और -5 ये रहा हमारे पास पॉइंट, एक्स 2 है और वाई -5 है, यहां पे -2 और 9 तो एक्स -2 है और वाई 9 है, तो बराबर दूरी पे हो एक्स एक्स पे। अब देखो मैं अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाता हूं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कहीं से भी जा सकते हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं वो कहीं से भी जा सकते हैं, तो हमें ये बताना है कि वो कहां बराबर दूरी पे रहे। वो मान लो यहां भी हो सकता है कि यहां से यहां तक की दूरी बराबर, यहां से यहां तक की दूरी बराबर, वो यहां पे भी हो सकता है कि ये दोनों दूरी बराबर है, तो वो कहीं पे भी हो सकता है। तो हम उसको एक्स एक्स पे हमें कहीं ना कहीं तो मानना ही पड़ेगा, उस पॉइंट को हमें एक्स एक्स पे कहीं ना कहीं तो मानना ही पड़ेगा। अब एक्स एक्स पे अगर कोई भी पॉइंट देखे आप तो उसमें जो वाई निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमने ये जो दो पॉइंट दिए हुए हैं इसको ए और बी मान लेते हैं। माना ए हमारे पास पॉइंट कितना है, 2 और -5 और बी हमारे पास जो पॉइंट है वो कितना है, -2 और 9। इन दोनों पॉइंट को ए और बी मान लिया हमने, इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया। और हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पर बिंदु ज्ञात करना है जो इनसे बराबर दूरी पर। तो माना ए 0 बिंदुओं ए और बी से सम दूरस्थ है या समान दूरी पर है, आप कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, सम दूरस्थ है यानी कि बराबर दूरी पर है। अब देखो मैंने ए क्यों लिखा, ए 0 क्यों लिया, क्योंकि बिंदु कहां पे लेना है, एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा उसमें वाई निर्देशांक कितना होगा, 0 होगा। और ए का मान हमें निकालना है, ए का तो हमें पता नहीं है, तो वो कहीं भी हो सकता है। ये हो सकता है कि यहां से या इस जगह पे ये दूरी और ये दूरी बराबर हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपका यहां पे हो कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर हो। क्या आपका यहां पे हो कोई बिंदु कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर हो, तो हमें इसके बारे में पता नहीं है।
हमें तो क्या करना है, बस हमने मान लिया कि ये वो बिंदु है जिसकी इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी है। तो अगर बराबर दूरी है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने P मान लिया, तो ये कहीं ना कहीं तो होगा हमारे पास, तो ये x एक्सिस पे कहीं ना कहीं है, यानी कि P की A से दूरी जिसको हम क्या लिखेंगे PA, और P की B से दूरी जिसको हम क्या लिखेंगे PB। ये दोनों दूरी कैसी है, आपस में बराबर है, PA और PB आपस में बराबर है। अब प्यारे बच्चों इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, आप इसको अब हटा सकते, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ये जो क्वेश्चन था वो सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए था, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़े तो उसने यह कहा था कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है, यानी कि बराबर दूरी पर है। तो एक्स एक्स पे एक बिंदु बताना है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है, तो एक्स एक्स पे वो बिंदु हमने क्या मान लिया A0, उसका नाम दे दिया P, तो वो इन दोनों से बराबर दूरी पे है, इनका नाम दे दिया A और B, यानी कि P की A से दूरी और P की B से, एक्स एक्स पे जो बिंदु है उसकी इससे दूरी और इसकी इससे दूरी बराबर है, तो वो हमने लिख दिया। अब इस पर दूरी सूत्र लगा देते हैं, दूरी सूत्र लगाएंगे आप पी और ए, तो ए माइनस दो इसका वर्ग हो जाएगा प्लस 0 माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0+5 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इधर P और B पर लगाए तो A माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो A प्लस 2 और 0 माइनस 9 इसका वर्ग हो जाएगा। अब यहां से देखो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास A माइनस 2 इसका वर्ग प्लस इसको भी ऊपर लिख दिया हमने, 5 का करेंगे तो ये 5×5=25 हो जाएगा। अब इधर से इसको भी अभी हमने ऊपर लिख दिया, इसको ऐसे ही रहने दिया, प्लस माइनस 9 का करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब आप इसको पहले या तो ओपन कर लो फॉर्मूला लगा के, या फिर पहले इसका वर्क कर दो, वर्क वर्क कट जाएगा दोनों साइड से, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई सा भी काम कर सकते हो। इसको ओपन करना चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो। अब हमारे पास ए माइनस ए प्लस बी, इट्स होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी इट्स होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पे देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 4 है, सॉरी 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2ab। यहां पे देखो अलग कर लेते हैं, a माइनस 2 का करेंगे तो ये a का स्क्वायर बनेगा प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा माइनस 2 गुना में a गुना में 2, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 4 हो गया और ये माइनस के 4 हो गया, 2×4 a हो गया, तो यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 a, 4 a और ये 25 हमारे पास पहले ही तैयार है। ठीक इसी तरह से यहां पे ये प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसी तरह से a स्क्वायर से स्क्वायर आ गया, 2 के स्क्वायर से 4 आ जाएगा प्लस 2ab से, जबकि पर प्लस का साइन है बस, बाकी तो वही है, तो ये 4a हो जाएगा और प्लस 81 हो जाएगा। अब यहां पे हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 4a, a स्क्वायर माइनस 4a और 25 और 4 29, यहां पे हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 81 और 4 85, तो यहां पे हम पहुंच गए इसमें। अब आप देखिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ फर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। अब यहां पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 29 है, इसका भी वर्ग कर दिया, और इधर है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 85 और इसका भी वर्ग कर दिया, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा वर्ग और वर्ग, हमारे पास रह गया ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 29, और इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये रह गया ए स्क्वायर प्लस 4a और प्लस 85। अब देखो बराबर का निशान है तो एक जैसे कट जाएंगे, तो ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कट गया, माइनस 4a प्लस 29 बराबर है 4a प्लस 85, ए को एक तरफ कर लो, माइनस 4a इधर ही रहने दो, ये इधर आके माइनस के 4a हो जाएंगे,
ये हमारे पास 85 माइनस 29, ये माइनस के 8 ए हो गए, और यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो 15 में से 9 6 और ये 56 आ जाएगा। ए का मान आ जाएगा हमारे पास 56 बटे में 8, माइनस 40 देते हैं इधर ले आए तो 8 का मान 8 सत्ते 56, तो ए का मान आ गया हमारे पास माइनस 7। तो हमें क्या निकालना था, एक्स अक्ष पर बिंदु निकालना था, हमने बिंदु क्या बना पी ए जीरो, ए का मान कितना आया माइनस 7, यानी कि बिंदु क्या बन गया, बिंदु हमारे पास क्या आ गया पी माइनस 7 और 0, माइनस 7 और 0, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि उसने क्या कहा कि एक्स एक्स को वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदु से बराबर दूरी पे हो, तो इसका मतलब क्या है, हमें एक्स एक्स पे कोई बिंदु मानना पड़ेगा, तो हमने उसको क्या मान लिया ए जीरो। अगर वो वाई एक्स पे कहता, अगर यही बात वो वाई एक्स पे कहता कि वाई एक्स पे वह बिंदु ज्ञात करो जो इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पे हो, तो हमें क्या करना पड़ता, फिर हम जो बी पॉइंट है उसको क्या मानते, क्योंकि वाई एक्स पे हमारा एक्स निर्देशांक जीरो होता है, तो फिर हम इसको जीरो ए लिखते, क्योंकि एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है, एक्स वाला जो निर्देशांक है वो क्या हो जाता जीरो हो जाता, तो उस केस में वाई एक्स पे अगर कहता वाई एक्स पे कहता तो हम जीरो ए लेते, अगर उसने एक्स एक्स पे कहा तो ए जीरो लिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। पहले बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पी 2 माइनस 3 और क्यू 10 वाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो क्या है, वाई का मान ज्ञात करना है कब, जब पी और क्यू दो बिंदु है, पी और क्यू दो बिंदु है और इनके जो बीच की दूरी है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो कितनी है 10 मात्रक है। जो कुछ दे रखा है उसको यूज करना है। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि जो पी क्यू है, जो दूरी पी क्यू है वो कितनी दे रखी है 10 मात्रक, दूरी पी क्यू कितनी दे रखी है 10 मात्रक, तो पी क्यू का फॉर्मूला लगा दो, दूरी के सूत्र लगा दो, कितना हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन 10 माइनस 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई माइनस, और ये माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर है 10। अब इसको सोल्व कर दो, यहां से देखो, यहां से 10 माइनस 2 8 से कितना मिल जाएगा 64 मिल जाएगा 8 का वर्ग। अब ये a प्लस बी इट्स ऑल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर बनेगा प्लस 3 का स्क्वायर बनेगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी 2 गुना वाई गुना में 3 और ये किसके बराबर 10 के बराबर। अब इसको देखो ये हमारे पास 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 3 तिया 9 और 2 तिया 6 वाई बराबर है 10। यहां से अब इसको ठीक करके लिखे, पहले वाई स्क्वायर लिख दिया प्लस 6 वाई, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई 64 और 9 73 बराबर है 10। तो क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, अब यहां से हमें मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इसका वर्ग कर देते हैं और यहां से 10 का वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 रहेगा और 10 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। इसको भी इधर ले आते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर है 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर है 0। अब ये देखो द्विघात समीकरण बन गया, चौथे चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसमें कन्वर्ट हो गया, अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो जोड़ कितना होना चाहिए, जोड़ हमारे पास कितना होना चाहिए 6 और गुना कितनी होनी चाहिए माइनस 27 और गुना में वाई स्क्वायर के साथ एक लगा हुआ है तो माइनस 27। अब देखो 9 और 3 की जब हम गुना करेंगे तो 27 बनेगा, जोड़ हमें 6 चाहिए तो इसको माइनस का कर देते हैं। अब देखो दो जोड़ेंगे तो इनको कितना बन जाएगा 6 और गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा माइनस 27। अब इसके लिए कर लेते हैं, ये हो गया वाई स्क्वायर
प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर है 0, तो y कॉमन y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन y प्लस 9, दोनों से माइनस कॉमन आ गए, दोनों प्लस के हो गए, बराबर है 0, तो y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर है 0। या तो हमारे पास y प्लस 9 जीरो के बराबर होगा या y माइनस 3 जीरो के बराबर होगा। तो यहां से y का मान कितना आ जाएगा माइनस 9 और यहां से y का मान कितना आ जाएगा 3, तो y का मान आ गया हमारे पास माइनस 9 और 3, तो ये हमारे पास इसके आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था, तो सिर्फ दूरी सूत्र लगा के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। पहले बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि क्यू 01 जिसके निर्देशांक है 01 बिंदुओं पी 5 माइनस 3 और आर एक्स 6 से सम दूरस्थ है, कौन सम दूरस्थ है क्यू, जो क्यू बिंदु है वो पी बिंदु और आर बिंदु से सम दूरस्थ है, यानी कि क्यू बिंदु की पी से दूरी और क्यू बिंदु की आर से दूरी बराबर है, क्यू बिंदु की पी और आर से दूरी बराबर है, तो हमें क्या करना है एक्स का मान ज्ञात करना है एक बार। दूसरी बात वो कह रहा है कि दूरियां भी ज्ञात करो, कौन कौन सी क्यू आर और पी आर दूरियां भी ज्ञात करो, तो दूरी तो दूरी सूत्र लगा के आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर लोगे, कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। तो पहले तो हमें एक्स का मान निकालना है। अब देखो उसने क्या दे रखा है कि जो क्यू बिंदु है वो पी से और आर से सम दूरस्थ है, इसका मतलब दिया गया है क्या दिया गया कि क्यू की पी से दूरी और क्यू की आर से, यानी कि क्यू पी बराबर है क्यू आर, यह दे रखा है क्यू बिंदु की पी और आर से दूरी बराबर है, यानी कि क्यू पी और क्यू आर बराबर है, दूरी सूत्र लगा दो, बस इसका लगाओ 5 माइनस 0 इसका वर्ग हो जाएगा 5 माइनस 0 और माइनस 3 और माइनस 1 इसका वर्ग, इधर आ जाओ क्या हुआ आर पे, तो x माइनस 0 इसका वर्ग हो जाएगा और 6 माइनस 1 इसका वर्ग हो जाएगा, तो यहां से 25 हो गया प्लस माइनस 4 से हमारे पास 16 हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 से 25 एक्स स्क्वायर 6 माइनस 1 5, 5 का वर्ग से 25 हो गया, यह आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यह हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको पहले एक्स्ट्रा को लिख देते, इसको जोड़ जोड़ भी सकते थे आप, दोनों को जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों सिंपल टर्म है, तो यहां पे आप इस स्टेप की बजाय पहले इनको जोड़ दें, तो यहां पे हमारे पास ये हो गया 25 और 6 10 41 हो जाएंगे, 41 बराबर है वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब दोनों तरफ वर्ग कर लेते, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो यहां पे वर्गमूल 41 इसका वर्ग हो गया और यहां पे वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस 25 इसका वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कट गया, हमारे पास 41 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 25, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर है 41, 41 इसके बराबर है या इसके बराबर है एक ही बात है, तो एक्स स्क्वायर बराबर है 41 माइनस 25, एक्स स्क्वायर बराबर है 16, तो एक्स बराबर है प्लस माइनस वर्गमूल 16, तो एक्स का मान आ गया प्लस माइनस 4, तो ये एक आंसर आ गया हमारे पास, ये हमारे पास इसका एक आंसर है, कौन सा आंसर आ गया है हमारे पास कि एक्स का मान ज्ञात करना, एक तो हो गया। दूसरा उसने कहा है कि दूरी ज्ञात करनी है, कौन कौन सी दूरियां भी ज्ञात करनी है हमें, क्यू आर और पी आर, क्यू आर, अब देखो क्यू क्यू आर दूरी निकालनी है और पी आर दूरी निकालनी है, ये तो हमने लिख दिया भाई आंसर फर्स्ट, एक आंसर तो हो,
अब आप देखो जो क्या वो आर दूरी है, क्या वो आर दूरी निकालने के लिए हमें एक्स का मान रखना पड़ेगा, और जो पी आर दूरी है, दूसरी दूरी हमारे पास कौन सी है, पी आर भी ज्ञात करो, क्या वो आर दूरी ज्ञात करनी है और पी आर दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो एक बार तो हम क्या लेंगे एक्स का मान, एक्स का मान हम चार ले लेते हैं, एक्स का मान हम चार ले लेते हैं, तो अब हमें क्या और आर के बीच की दूरी निकालनी है, तो क्या हमारा कितना है जीरो और एक, और आर हमारा कितना है, एक्स का मान कितना आ गया चार और छह, तो क्या आर दूरी अब हम निकाल देते हैं। अब हम सीधा ही कर रहे हैं डायरेक्ट, क्या आर दूरी देखो चार माइनस जीरो इसका स्क्वायर प्लस छह माइनस एक इसका स्क्वायर, तो यहां से सोलह हो जाएगा और छह माइनस एक पांच, पांच से ये पच्चीस हो जाएगा, पच्चीस और छह इकतीस और दस इकतालीस, तो क्या हुआ का मान आ गया हमारे पास वर्गमूल इकतालीस, एक तो ये आ गया। अब अगर हम इसको दूसरे केस के लिए एक्स का मान जब हमने चार रखा तो ये आया, और जब हम x का मान माइनस चार रखेंगे तो ये कितना बनेगा माइनस चार और छह बन जाएगा, तो जब x का मान माइनस चार रखेंगे तो उस केस में क्या हुआ कितना आएगा देखें, क्या उतना ही रहेगा क्योंकि क्या में तो x है ही नहीं है। अब यहां देखो माइनस चार माइनस जीरो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जीरो था, और छह माइनस एक अभी माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो 16 प्लस 25 तो ये वर्गमूल 41, तो हमारे पास जो क्या आर है वो तो कितना आएगा वर्गमूल 41 मात्र। ये हमारा आंसर सेकंड हो गया, ये हमारे पास आंसर सेकंड हो गया। और तीसरी बात उसने क्या पूछी है, इसमें इसने कहा है कि पी आर भी बताना है। अब देखो P हमारे पास कितना है, P P है हमारे पास पांच और माइनस तीन, और R हमारे पास कितना है X और छह है, तो X का मान एक बार तो चार रखा और एक बार माइनस चार रखेंगे, तो पी आर देखते हैं केस में पी आर, यहां से पी आर जब हमने चार लिया तो चार माइनस पांच इसका स्क्वायर हो जाएगा, और छह माइनस माइनस तीन तो प्लस का तीन हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो चार माइनस पांच माइनस एक का स्क्वायर एक हो गया और ये इक्यासी, तो ये वर्गमूल बयासी मात्रक। ये कब आया जब x हमने चार लिया, अब हम x को क्या लेते हैं माइनस चार, तो माइनस चार ले लेते हैं तो पी आर हमारे पास देखते हैं क्या आएगा, यहां पे माइनस चार और ये माइनस पांच इसका वर्ग हो जाएगा, और छह प्लस तीन ये तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहां देखो थोड़ा चेंज आएगा, माइनस चार और माइनस पांच माइनस नौ से इक्यासी बने, इक्यासी ये भी इक्यासी, तो ये हमारे पास एक सौ बासठ हो जाएंगे। इस एक सौ बासठ को हम लिख सकते हैं इक्यासी गुना में दो, इक्यासी से नौ बारह आ जाएगा, तो नौ वर्ग में दो मात्रक, ये इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। इसमें इस क्वेश्चन के तीन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये था कि जो क्यू बिंदु है वो पी और आर से बराबर दूरी पे है, एक्स का मान ज्ञात, तो क्यू जो बिंदु पी और आर से बराबर दूरी है यानी कि क्यू पी और क्यू आर बराबर है, तो क्यू पी पे दूरी सूत्र लगा दिया, क्यू आर पे दूरी सूत्र लगा दिया और सोल्व कर दिया एक्स का मान। अब x के मान हमारे पास दो आ गए, x का मान चार भी आ गया और माइनस चार भी आ गया। अब दूसरी बात उसने पूछी कि क्यू आर निकालो, क्यू आर तो क्यू हमारा जीरो वन है और r हमारा x छह है, तो x का मान चार भी है और माइनस चार भी है, तो x का एक बार जब मान चार रखा तो ये हमने क्यू आर निकाल दिया, तो चार के लिए सोल्व किया तो ये आंसर आ गया। अगली बार फिर हमने माइनस चार के लिए आंसर निकाला, तो दोनों ही केस में आंसर सेम आया। फिर हम उसने कहा कि पी आर भी निकालो, तो पी तो हमारा
पांच और माइनस तीन है, आर में फिर एक्स है, तो एक्स की जगह पे एक बार चार रख के दूरी सूत्र लगाया और एक बार माइनस चार रख के दूरी सूत्र लगाया और वो जो आए हैं वो दोनों हमने लिख दिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। पहले बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और सेम ही है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह से ही है, कुछ ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है। इसमें कहा गया है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3-6 और -3-4 से सम दूरस्थ हो। यहां पे बिंदु के नाम ले दिए, निर्देशांक दे दिए कि ये वाला जो बिंदु है इस बिंदु से और इस बिंदु से बराबर दूरी पे हो, सम दूरस्थ यानी कि बराबर दूरी पे हो। तो इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, इस बिंदु को हम A मान लेते हैं और इस बिंदु को B मान लेते हैं। यानी कि जो P बिंदु है इसकी A से और P बिंदु की B से दूरी है वो जो बराबर है, यानी कि इसका मतलब क्या दे रखा है, पी ए बराबर है पी बी, पी ए बराबर है पी बी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दूरी सूत्र लगा दो बस, इसमें क्या बनेगा। अब आपकी मर्जी है एक्स टू माइनस एक्स वन कर ले। अब देखो यहां पे इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे, 3-x लिखना थोड़ा अजीब सा लगता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस तीन लिख सकते हैं। तो एक्स माइनस तीन इसका वर्ग हो जाएगा प्लस वाई माइनस छह इसका वर्ग हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर कर ले या एक्स वन माइनस एक्स टू का स्केयर कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक इसी तरह से PB पे आ जाओ। अब देखो इसमें से ये माइनस करेंगे थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो हम इधर से ही ले लेते हैं, तो x माइनस 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 प्लस हो जाए, तो x प्लस 3 का स्केयर हो जाएगा प्लस y माइनस 4 का स्केयर हो जाएगा, ये y माइनस 4 का स्केयर हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, ये बाद में कर लेना, पहले ओपन कर लो, तो पहले कर लेते हैं दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वर्ग आप पहले करते हैं या बाद में करते हैं। तो ये वर्गमूल कट जाएगा, ये वर्गमूल कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस 3 प्लस y माइनस 6 और यहां से x प्लस 3 इसका स्क्वायर और y माइनस 4 इसका स्क्वायर। जब इसका वर्ग किया तो ये वर्गमूल कट गई, ऐसे मत कर देना इसके साथ, मत काट देना, ये दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। कभी आप इसके साथ काट दो, इसके साथ इसको काट दो, इसके साथ इसको, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये हमने दोनों तरफ वर्क करके जो वर्गमूल है काट दिए। अगर पूरा लिखना है तो लिख सकते हो आप ऐसे, इसका वर्क कर दिया और यहां पे भी हमने इसका वर्क कर दिया। अब ये कट जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा एक्स माइनस 3 और ये वाई माइनस 6 इसका स्क्वायर। यहां पे एक्स प्लस 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा और y माइनस 4 इसका स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाना है, a माइनस b होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना में 3 प्लस, अब इसमें लगाओ, इसमें भी a माइनस b होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 गुना y गुना में 6। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस b होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए, दोनों जगह पे यही लगा। जब ये प्लस है तो प्लस के लिए ए प्लस बी इट्स होल स्क्वायर का लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए। अब यहां पे देखो ये वाले पार्ट तो होंगे दोनों यहां पे बराबर है, क्योंकि यहां इतनी जगह नहीं बची, तो हमने यहां से लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स गुना में 3 इसका होगा। अब इसमें फिर वही माइनस होना लगेगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 गुना वाई गुना में 4। अब इसको करो, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 9 हो जाएगा माइनस 6x 2 3 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 हो। अब यहां पे इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब इनके बीच में रिलेशन बनाना था, एक्स और वाई के बीच में एक संबंध बनाना था।
अब देखो बराबर का निशान है तो एक जैसे कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कट गया, नो प्लस का है नो प्लस का है ये भी कट गया, और देखो कुछ नहीं, बस हमारे पास बच गया माइनस छ एक्स प्लस 36 माइनस 12 वाई, और यहां से 6x प्लस 16 माइनस 8 वाई। अब देखो हम क्या करते हैं, इनको भी इधर ही ले आते हैं, हम इनको भी इधर ले आते हैं क्योंकि इधर देखो एक्स भी प्लस एक्स प्लस का है तो इधर x माइनस का, तो इनको भी इधर ले आते हैं, यानी कि पहले हम ये लिख लेते हैं 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब इनको इधर ले गया है तो माइनस 6x क्या हो गया, प्लस के 6x, प्लस के 6x 36 हो जाएगा, माइनस के 36 और माइनस के 12y है तो प्लस के 12y। अब सारा कुछ इधर ले आए तो किसके बराबर बच गया, जीरो के बराबर, तो इसको हम इधर ले आए थे तो वो जीरो के बराबर है, उधर कुछ नहीं बचा। अब 6x और 6x कितने हो जाएंगे हमारे पास 12x, वाई वाले देखो माइनस के 8y और प्लस के 12y, तो प्लस के 4y रह जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास रह गए 4y, और देखो क्या बचा, प्लस के 16 है और माइनस के 36 है तो माइनस के 20 बच गए, बराबर है 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये देखो 4 से भाग हो रहा है पूरा का पूरा, तो 4 से भाग भी कर सकते हैं, तो 4 से भाग करने पर 4 हमारा 3x प्लस वाई रह जाएगा, 4 5 20 बराबर है जीरो। तो यह हमारे पास संबंध आ गया एक्स और वाई के बीच। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको क्या करना था, दूरी क्योंकि पी की ए से और बी से दूरी बराबर है, दूरी लिख के दूरी सूत्र लगा के उसको सोल्व करना है, वर्क करना है और सोल्व करना है, आंसर अपने आप आ जाएंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 है वो कंप्लीट हो जाती है, बेहद इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट एक ही फॉर्मूला है, उसी के बेस पे आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर कहीं कोई गलती हो सकती है आपसे तो वो साइन की गलती हो सकती है, प्लस माइनस में आपसे गलती हो सकती है, तो जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। थैंक यू वेरी मच।